उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव में अभी पौने दो साल का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से ही राज्य के अति पिछड़ों को लुभाने की रेस लग गई है तमाम पार्टियों में, और खास तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। तो हम आपको बताते हैं कि ये रेस क्यों है, फूलन देवी क्यों एक अहम किरदार है इसमें, और कौन सा दाव बीजेपी ने खेल दिया जिसकी वजह से शायद वो इस रेस में बहुत आगे निकल जाए। क्योंकि अभी तक अखिलेश यादव सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री फूलन देवी को श्रद्धांजलि ही दे रहे थे, लेकिन ठोस कदम के तौर पर जयप्रकाश निषाद को राज्यसभा भेजकर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने एक दांव खेला, और माना जा रहा है इसके जरिए वो इस रेस में कहीं आगे निकल सकते हैं। दरअसल 25 जुलाई को फूलन देवी की पुण्यतिथि है, अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और एक प्रोमो भी रिलीज किया जो उनकी जिंदगी पर चित्रित था, और इस प्रोमो में तमाम बातें ऐसी कही गई हैं कि कैसे एक अति पिछड़ा मल्ला समुदाय से आने वाली फूलन देवी ने समाज के तमाम तिरस्कारों को और एक तरह से जो उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ, लेकिन बावजूद इसके वो इंसाफ की लड़ाई लड़ती रहीं, ये सब कुछ उसमें चित्रित किया गया है। उन्होंने इस प्रोमो को रिलीज किया। यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने हर ज़िले में फूलन देवी के लिए श्रद्धांजलि सभा रखी। आपको बताते हैं 1996 का साल था, मिर्जापुर से मुलायम सिंह यादव ने ही टिकट देकर फूलन देवी को पॉलिटिक्स में लाने का फैसला किया और वही लेकर आए। तो समाजवादी पार्टी मानती है कि वो पारंपरिक तौर से जो मल्लाह वोटर है वो उनके साथ रहेगा, फूलन देवी को लेकर मुलायम सिंह पॉलिटिक्स में आए और उनको अपनी तरफ रखने के लिए फूलन देवी को फिर से श्रद्धांजलि देकर याद करने की कोशिश शुरू हुई। लेकिन इधर बीजेपी इसको सूंघ रही थी और इसीलिए शायद उन्होंने पहले से कदम उठाया, जयप्रकाश निषाद को राज्यसभा सांसद बना दिया है। अब 2017 के चुनाव को अगर आप याद करें तो जो अति पिछड़ा वोट है वो बीजेपी की तरफ चला गया था, और ये एक बहुत बड़ी वजह रही थी भारतीय जनता पार्टी की जीत में, और इसीलिए माना जाता है कि ये जो दांव है बीजेपी की तरफ से ये शायद उनको एक बार फिर से एज दे दे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये मल्लाह वोटर या अति पिछड़ा वोट बैंक ये किस तरह से महत्वपूर्ण है इन तमाम पार्टियों के लिए और क्यों है। लगभग 7% ये मल्लाह वोटर है उत्तर प्रदेश में, और कितनी सीटों पर ये प्रभावी है हार या जीत तय करते हैं वो भी आइए आपको बताते हैं। यूपी में तकरीबन 7% आबादी मल्लाह केवट और निषाद जातियों की है। यूपी की तकरीबन 20 लोकसभा सीटें और तकरीबन 60 के करीब विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां निषाद वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। इनमें जो सीटें हैं वो आपको गिना देते हैं, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर, मऊ, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, इलाहाबाद, फतेहपुर, सहारनपुर, हमीरपुर जिले में निषाद वोटरों की संख्या अधिक है। ऐसे में बीजेपी ने जो ये जयप्रकाश निषाद को राज्यसभा सांसद बनाने का फैसला लिया है वो मल्ला समुदाय के दिल जीतने के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। तो देखिए कैसे कौन सी पार्टी अलग अलग दाव खेल के अभी से ही जब पौने दो साल बचा है तो यूपी चुनाव में जाति के आधार पर वही तमाम कार्ड खेलकर इन वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कवायद में लग गए।